The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has skipped summons by the Enforcement Directorate for the seventh time. The summons pertain to the money laundering case in connection with the Delhi excise policy. Earlier, the Delhi Chief Minister had skipped six ED summons, claiming that none of the summons follow legal procedure. The Aam Aadmi Party has meanwhile mounted an attack on the BJP, stating that the latter is quote-unquote misusing central agencies and taking revenge. So, of course, viewers, seventh ED summon, and he has now skipped, is what we are learning. In fact, the Bharatiya Janata Party has hit back at the Aam Aadmi Party over CM Kejriwal's no-show for the seventh time. Let's listen in. देखिए, फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ ना कुछ इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वो कतराते हैं एजेंसियों के सामने पहुंचने में। अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं होती तो आज वो जांच में शामिल होते, पर वो कहते ना, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, और फिर वो कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज तो जरूर मिलना चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूटा, और भ्रष्टाचार करने के बाद आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के बदले अत्याचार अत्याचार खेलना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना और भाग जाना, तो भगौड़ा बनने के लिए भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। Meanwhile, Congress has chimed in with Rajya Sabha MP Pramod Tiwari backing the Aam Aadmi Party. Let's, in fact, listen in. पहले यही किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री से, गठबंधन तोड़ो, इंडिया में मत शामिल हो, उनको जेल भेज दिया गया। यही बिहार में किया जा रहा है। गठबंधन में वो हैं, इसलिए तेजस्वी यादव पर चुनाव के ठीक पहले जिस तरह फर्जी ढंग से मुकदमेबाजी हो रही है, इनकम टैक्स सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लालू जी इतने अस्वस्थ हैं उन पर भी हो रहा है। तीसरा उदाहरण आप ले लें महाराष्ट्र का, वहां तो उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला है, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, और जब जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो साफ सुथरे हो गए। Aam Aadmi Party Minister Saurabh Bhardwaj and Atishi are addressing the media live. Let's cut across. आज वो बच्चे जवान होके वोट डालने के काबिल बनेंगे और इस काबिल बनेंगे कि वो अपनी बात इस समाज में रख सकें, अपने परिवार में रख सकें, और ये सब लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से अन्याय हो रहा है। अपोजिशन पार्टीज को दबाने की हर कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक साथी आते हैं मेरे पास। एक विधायक साथी आए, बैठे, बोले यार तुम्हारा ये मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री तो अच्छा आदमी था, बहुत भला आदमी था, बेचारे को जेल हो गई। मैंने कहा आप ही लोगों ने तो डाला है जेल में। तो जिस मंत्री के बारे में अपोजिशन के साथी भी पीठ पीछे कहते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे थे, भला आदमी है, ऐसे आदमी को भी जेल में डालना, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जो नैतिकता थी उसको बिल्कुल जो है पाताल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। और जो श्रृंखला उन्होंने शुरू की है, जो प्रेसिडेंस उन्होंने राजनीति के अंदर लाए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने देश की राजनीति को एक अनप्रेसिडेंटेड आघात दिया है, एक ऐसा आघात दिया है जो मुझे लगता है कि दशकों तक इस राजनीति के अंदर जो है लोगों को परेशान करेगा। और लोग याद करेंगे कि एक ऐसी भी सरकार थी जिसने इस तरीके के कृत्य किए अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ, और उस समय के बाद राजनीति देश की जो है बिल्कुल जो है दुश्मनी, क्रूरता और जिसे कह सकते हैं कि बदला लेने वाली राजनीति की शुरुआत जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की है। और ये मुझे लगता है बहुत सालों बाद ये चैप्टर होगा स्कूल्स की बुक में, कि ये जो मर्यादा ख़त्म करके एक दूसरे से बदला लेने वाली, एक दूसरे को ख़त्म कर देने वाली राजनीति की शुरुआत किसने की, तो कहा जाएगा कि 2014 में एक प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने देश को जो है गर्त तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।
पर आपने कहा कि जेल में बहुत बंदिशें हैं और परेशान किए जा रहे हैं, क्या ये किस तरह की परेशानी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को जानता हूं जो इमरजेंसी के वक्त जेल में थे, और आप उनसे पूछिए, वो लोग कहते थे नहीं, हम तो अपना पूरा का पूरा ग्रुप जेल में हुआ करता था, हम गाते थे, साथ रहते थे, बात करते थे, हाँ इतना ही था कि हम जेल के अंदर बंद थे, बाकी हम सब लोग साथ थे। आप लालू प्रसाद जी के एक भाषण को सुनिए संसद में, वो कहते हैं अडवाणी जी के बारे में कि अडवाणी जी हमने आपको जेल में डाला था मगर हमने सिर्फ आपको हाउस अरेस्ट किया, और फोन करके पूछते थे कि अडवाणी जी कोई तकलीफ तो नहीं है। ये भाषण संसद के अंदर लालू जी ने दिया, अडवाणी जी बैठे हुए सुन रहे हैं। अगर झूठ कह रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर बोलती कि नहीं लालू जी आप झूठ बोल रहे हो। तो इतनी मर्यादा इस देश में इमरजेंसी के समय में भी रखी गई, और लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी तो सब जानते हैं, राजनीतिक दुश्मनी, उसमें भी ये मर्यादा रखी गई। मगर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को अलग रखा जाता है, बातचीत कर, बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ पे जो कहूँगा तो क्या है कि उससे क्या है, जो जेल के अफसर हैं उनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती होगी कि साहब आपने ऐसा कह दिया, आप हमारे लिए तो ये हो गया। मगर जिस तरीके से एक सामान्य कैदी को जो है सहूलियत होती हैं, वैसी सहूलियत भी जो है वहाँ पे नहीं है। एक सामान्य कैदी को इतनी तो सहूलियत होती है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आप आराम से बैठ सको, बात कर सको, अगर आप ही के लोग जेल के अंदर हैं। आप संजय सिंह भी अंदर हैं, मनीष सिसोदिया भी अंदर हैं, आप क्यों नहीं उनको एक ही सेल में रख दें, कम से कम आपस में बात तो कर सकते हैं। मगर एक तरीके की क्रूरता है कि संजय सिंह को ऐसे सेल में रखो, उनको दूसरे सेल में रखो, उनसे कोई कैदी ज़्यादा बात करे तो उसके ऊपर जो है पेच टाइट किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, मुझे लगता है जब मनीष जी कभी बाहर आएंगे तो वो लिखेंगे अपनी किताब में, संजय सिंह बताएंगे कि क्या क्या किया जा रहा है। ईडी का संबंध था और ईडी के संबंध पर आज भी नहीं गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पेमो पेश नहीं हो रहे हैं, विधानसभा आए हैं। देखिए, ईडी ने सोच समझ के कोर्ट का रुख किया, जब ईडी खुद ही कोर्ट चली गई तो मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। वैसे भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट नहीं गए समन्स के खिलाफ, ईडी खुद कोर्ट गए ये तय करवाने के लिए कि जो समन वो भेज रही है वो वाजिब है कि नहीं वाजिब है, वो लीगल है कि इलीगल है। ईडी खुद कोर्ट गई, तो अब तो ये सवाल बनता है कि जब ईडी खुद समन्स के मामले पे कोर्ट गई है तो वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोर्ट का फैसला आए बिना समन पे समन क्यों भेजे जा रहे हैं? इससे ये साफ है कि ये मामला कोई लीगल इलीगल होने का नहीं है, ये मामला न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने और धमकाने का है। क्योंकि अगर ईडी को लीगैलिटी की चिंता होती, ईडी को इन्वेस्टिगेशन की चिंता होती तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो उन्होंने खुद शुरू किया है उसका इंतजार तो करते। मैम, ईडी का ये कहना है कि कोर्ट वो इसलिए नहीं गई थी कि समन लीगल है या इलीगल है, ये कोर्ट के फैसले से तय नहीं होगा, तय ये होना है कि अरविंद केजरीवाल कब आएंगे और कैसे आएंगे, इसलिए गए थे। तो वो लीगैलिटी, तो अगर ये तय होना है कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे और कैसे आएंगे तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करें ना, वही तो कोर्ट गए हैं। देखिए, कोर्ट खुद जाने के बाद अब जब वो बार बार नोटिस भेज रहे हैं वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नोटिस का पर्पस, समन्स का पर्पस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, डराना है, धमकाना है, इंडिया अलायंस से बाहर आने का इशारा करना है। वरना अगर ईडी खुद ही ये मैटर कोर्ट लेके गया है कि अरविंद केजरीवाल कब पेश होंगे।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.